कोडरमा जिले के मरकच्छो प्रखंड स्थित ग्राम पंचायत नावा डी एक में एक ही यूडाइस पर एक विद्यालय की जगह फर्जी तरीके से एक ही नाम से बीते कई महीनों से दो विद्यालय संचालित किए जाने का मामला सामने आया, जिससे नौनिहाल विद्यार्थियों की बढ़ सकती है परेशानियां। जहां अब तक इन्हीं पदाधिकारी के द्वारा इस फर्जीवाड़े का नहीं किया गया जांच, जिससे प्रतीत होता दिख रहा है कि विद्यालय में अध्ययनरत नौनिहाल विद्यार्थियों को आने वाले समय में हो सकती है परेशानी। वहीं इस मामले को लेकर इसी ग्राम पंचायत नावाडीह एक निवासी रामानंद सागर, शिक्षा निकेतन नावाडीह के प्रधानाध्यापक मिथिलेश कुमार वर्मा ने गुरुवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि मेरा मकान, जिसका खाता संख्या 18 और प्लॉट संख्या 466 है, जिस पर दशरथ कुमार व बसंत कुमार दोनों के पिता अभिमन्यु प्रसाद कुशवाहा वगैरह सभी ग्राम नावाडीह के द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है और मेरे विद्यालय के नाम से फर्जी तरीके से मेरा विद्यालय रामानंद सागर शिक्षा निकेतन का नाम देकर मेरे ही बगल में फर्जी विद्यालय चलाया जा रहा है, जबकि इस विद्यालय का यूडाइस कोड है जो मिथिलेश कुमार वर्मा के नाम से रजिस्टर्ड भी है, जिसे ऑनलाइन जांच किया जा सकता है। वही रामानंद सागर शिक्षा निकेतन के प्रधानाध्यापक दशरथ कुमार ने बताया कि हम दोनों अपने ममेरे फुफेरे भाई हैं और जब विद्यालय का शुरुआत किया गया तो हम दोनों ने मिलकर किया। अब मिथिलेश जी ने अपने दूसरे मकान में विद्यालय चला रहे हैं तो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मैं फर्जी विद्यालय संचालित कर रहा हूं, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि एक ही यूडाइस से दोनों विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि जहां एक ओर झारखंड सरकार तमाम विद्यालय के शिक्षकों को बार बार निर्देश दे रही है कि क्षेत्र के सभी विद्यार्थियों को सरकारी विद्यालयों से जोड़ने का काम करें, वहीं दूसरी ओर सरकार के आदेशों को नाकाम करने के लिए क्षेत्र में फर्जी तरीके से प्राइवेट विद्यालय संचालित कर नौनिहाल विद्यार्थियों की परेशानी बढ़ाई जा रही है। अब देखना है कि क्या शिक्षा विभाग इसकी जांच करेगी कि कौन सा प्राइवेट विद्यालय वैध तरीके से संचालित हो रहा है और कौन फर्जी तरीके से। कोडरमा से इंद्रदेव कुमार राम की रिपोर्ट। सर, मेरा शुभ नाम मिथिलेश कुमार वर्मा हुआ। क्या मामला है सर, बताया जाए। सर, मामला यही है कि एक विद्यालय है नावाडी में जो रामानंद सागर शिक्षा निकेतन के नाम से ये चल रहा है, जो फरवरी 2013 से चल रहा है। विभागीय दृष्टिकोण से यह यूडाइस हमारे नाम से मिला हुआ था, जिसका मैं प्रिंसिपल हूँ। और यह जो विद्यालय है, इसमें अभी फिलहाल जो प्रॉब्लम आई है कि उस बिल्डिंग के बगल में स्कूल चला रहा हूँ, ठीक है, लेकिन एक बगल में और बिल्डिंग है जो फर्जी तरीके से दशरथ कुमार और बसंत कुमार के द्वारा और उनके कुछ सहयोगी शिक्षकों के द्वारा जो है वो फर्जी तरीके से विद्यालय चलाया जा रहा है। और वह यूडाइस जो हमारे नाम से विभागीय दृष्टिकोण से जो निर्मित है, ऑथोराइज है, उसको जो है सो फर्जी तरीके से वो चला रहा है। यही मामला है। हाँ सर, यही मामला है। हम विभागीय विभाग से यही आग्रह करेंगे कि इसकी जांच पड़ताल कर उचित कार्रवाई करें। हमें विद्यालय संचालन को लेकर के बहुत दिक्कतें आ रही है, कारण एक ही नाम से दो विद्यालय चल रहा है। वो भी इसी नाम से विद्यालय चलाया जा रहा है। हाँ सर, इसी नाम से विद्यालय चला रहा है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? दशरथ कुमार। क्या मामला है सर विद्यालय का? विद्यालय सर दो पार्टनर में चल रहा था। अच्छा, दशरथ कुमार और मिथिलेश कुमार के वर्मा के नाम से दोनों पार्टनर थे हम लोग। बिल्डिंग जो बना हुआ है 11x22 फीट में बिल्डिंग बनी हुई थी जो दोनों के नाम से रजिस्ट्री है, जिसमें पिताजी मेरे हैं अभिमन्यु प्रसाद कुशवाहा और मिथिलेश कुमार वर्मा, ये दो नाम के नाम से रजिस्ट्री पेपर है। 11x22 फीट में जमीन रजिस्ट्री है जो दोनों के नाम पर रजिस्ट्री जमीन है। 5 फीट उनके दादाजी के नाम से है। जिस समय हम लोग बिल्डिंग बना रहे थे सर, उस समय 11x22 फीट में ही बिल्डिंग बना रहे थे। तो आपका कहने का मतलब है कि इसी खाता प्लॉट के नाम से जो है सो यूडाइस तैयार हुआ है? हाँ सर, इस खाता यूडाइस पर आप विद्यालय संचालित कर रहे हैं? हाँ सर। तो इस हिसाब से आपका क्या कहना है कि ये विद्यालय बिल्कुल वैध तरीके से संचालित किया जा रहा है? नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। विद्यालय जैसे कोई नया बिल्डिंग बनाता है सर, तो नया नाम देता है। हम पुराना बिल्डिंग में ही विद्यालय मेरा चल रहा है, नाम वही है, ऑफिस वही है, आदमी हम वही हैं, तो नाम हमको चेंज करना चाहिए? जो नया बिल्डिंग बना के किया है वो चेंज करेगा? आप उचित जो कही जैसा आप लोग कहिएगा। हम यही मामला है। दमदार निर्माण।